हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज हम आप सबको आलू का फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बताएंगे। आलू को पहले छील लेंगे और उसके बाद में बीच से पतला पतला काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पतला पतला काट लिया है और उसके बाद में आलू को लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे सब आलू कटा हुआ, और इसको पानी से निकाल लेंगे। फिर इसमें हम ऑयल, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर डालेंगे। नमक डाल दिया हमने एक चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके बाद में लहसुन पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और काली मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा आधा चम्मच। फिर वो सब मिक्स कर लेंगे। वीडियो मिक्स करने के बाद हम एयर फ्रायर में पकाएंगे। एयर फ्रायर में हम डाल लेंगे आलू को मिक्स किया हुआ सब। चलिए अभी पकाना शुरू करते हैं। टाइमिंग हम 20 मिनट लगा देंगे, 15 से 20 मिनट। हमने 20 मिनट टाइमिंग लगाया है, टेम्परेचर 200। उसके बाद में बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, बीच में घुमाते रहेंगे। अभी देख सकते हैं पक चुका है आलू का फ्रेंच फ्राइज, बन के तैयार हो गया है अभी।